दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो कुछ इरशाद फरमाया वो सब का सब मंतकी है और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पर रोज़े रोशन की तरह अय्या हो रहा है और इस अफसूदा मुआशरे में हर रोज़ एक नई कड़ी खुलती है जिससे हमें दीन इस्लाम की सच्चाई और अल्लाह तबारक व तआला का मजीद कुर्ब नसीब होता है। ज़ेर नज़र वीडियो में आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर आग लगी हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हवाले से कुरान में भी इरशाद फरमा दिया, जो कि पानी में आग से मुतालिक आयात हैं जिन पर बेशुमार लोग ठट्ठा उड़ाते थे, नऊज़ु बिल्लाह मजाक करते थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पानी के अंदर आग लग जाए। लेकिन प्यारे दोस्तों, ज़ेर नज़र वीडियो में आपको बाज़ाब्ता दिखाई दे रहा है कि पानी के अंदर आग लगी और ऐसी आग पानी में बेशुमार दफ़ा लगी है और उसका रीज़न कुछ भी हो, दुनिया को ये पता चल गया कि जब खुदाए बुजुर्गो बरतर चाहता है तो वो मंतक निकाल लेता है, चाहे वो किसी गैस के बुखारात के अंदर आग लग जाए या फिर समंदर की गहराइयों के अंदर अल्लाह तबारक तआला तेल के कुएँ इंसान के लिए पैदा करके उनमें आग लगा दे, वो कुछ भी कर सकता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ देख कर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है और वो दोबारा से अल्लाह तबारक तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह पाक, हम बहुत ही कमअक़ल हैं, हम बहुत ही बेअक़ल हैं, हमने तेरी निशानियां देखी लेकिन तुझ पर ईमान लाने से कासिर रहे और अगर ईमान लाए तो तेरे बताए हुए रस्ते पर चल ना पाए, मेरे मालिक हमें माफ़ फरमा। प्यारे दोस्तों, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला आपको और हमें खुश रहने, खुशियाँ बांटने और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।